मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में ठहरा हूँ तो मैंने देखा वहां पर डिपार्टमेंट्स में जा जाकर, और वहां जब पढ़ाने जाते हैं तो वहां उन लोगों को भी देखते हैं जो सेलेक्ट होकर के आते हैं। तो जो ये नागरिक हीनता की जो स्थिति, जिसको नागरिक शून्यता की आप स्थिति बोलते हैं, ये इसी वजह से कि हमने उस शिक्षा को मायने का, उसके दायरों को बहुत सीमित कर दिया है, उनके उद्देश्यों को हमने बदल दिया है। हम जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके हैं, उस नागरिकता का ही पक्ष, उस जीवन का ही पक्ष हमने एक तरह से हमने अलग कर दिया है जीवन से। तो सर उस शिक्षा का, उस नागरिकता का, उस इंसानियत का क्या उद्देश्य है सर? क्या यही उद्देश्य है कि बस एक नौकरी मिल गई, हो गया काम समाप्त हमारा? और अब तो नौकरियों की जो स्थिति चल रही है वो आपके सामने ही है, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए धन्यवाद। अश्विनी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े ही विस्तार से अपने अनुभव को बताया। असल में यहाँ जब हम लोग घूम रहे थे, कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न था कि आखिर यह कार्यक्रम यहाँ क्यों। एक बार बीच में कुछ दिन, 2-3 महीने पहले अश्विनी से बात हो रही थी और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। शब्दों में बोलना मेरे लिए भी शायद मुश्किल हो, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ से स्त्रियाँ और लड़कियाँ गायब कर दी जाती हैं और उनको ये देखने के लिए कि कौन विवाहित है और कौन अविवाहित है या किसका बच्चा नहीं है, आर्मी के लोग उनके ब्रेस्ट को निचोड़ कर यह पता करते हैं लड़कियों और स्त्रियों का। ऐसी स्थिति वहाँ पर है। और उस दिन ही हमने ये तय किया कि जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा और जितने लोगों तक बात पहुंच पाएगी, हम उसे बताने और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जो अश्विनी सरकारी चीज़ों के बारे में कह रहे थे, तो देवस्कर जी ने बहुत पहले अंग्रेजों के बारे में कहा था कि वो सम्मोहन चित विजय करते हैं। पहले अपने प्रोग्राम बताकर हमें सम्मोहित करते हैं और फिर हमारा चित्त हृदय विजित करते हैं और उसके बाद हमें लूटते हैं। हमारा जो तंत्र है वो उन लोगों से, जिनका अधिकार है उन जंगलों पर, जिनका अधिकार है उन खेतों पर, जिनका अधिकार है उन नदियों पर, उनके सारे अधिकारों को छीन रहे हैं और बाहर हम सम्मोहन चित्त विजय की स्थिति में बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं और अखबारों की सुर्खियों को पढ़ रहे हैं कि सरकार यहाँ तक पहुँच गई है, हम चांद तक पहुँच गए हैं, न जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। 2 दिन पहले ही महिला दिवस था और आप सब जानते हैं कि अखबार महिलाओं के कारनामों से भरे पड़े थे। इस महिला ने ये किया, उस महिला ने ये किया, लेकिन उसी में दूसरी और पत्रिका में ही सेकंड पेज पर न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि प्रति वर्ष भारत में 35,000 महिलाओं का बलात्कार होता है। जो भारत का क्राइम ब्यूरो है उसमें, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसका ये, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि प्रतिदिन 95 स्त्रियों का भारत में बलात्कार हो रहा है। प्रतिदिन कितना हम सुन पाते हैं, कितना समझ पाते हैं और कहां तक पहुंच पाते हैं। उसी तरह से प्रतिदिन हर 2 बच्चे में से 1 बच्चे के साथ 1 बच्चे का शोषण हो रहा है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां का 50% आबादी शोषण का शिकार है। मैक्सिम गोर्की कहते थे कि जिस देश का बच्चा दुनिया के सारी चीज़ों को जान ले और अपने देश के बारे में
कुछ नहीं जाने, वह कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता है, वह कभी मनुष्य नहीं बन सकता है। हमारे देश की स्थिति ये है कि दो में से हर एक बच्चा शोषित है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कितनी प्रगतिशील होंगी और हमारा देश कितना मजबूत होगा, ये हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अब अनेक ऐसे संदर्भों के साथ जो न्याय में, आज के न्याय में और पहले के न्याय में फर्क है, और उसके कैसे संदर्भ बदल रहे हैं, वो कैसे बाहरी ताकतों से प्रभावित हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय प्रशांत भूषण जी को कि कृपया आए और अपनी बात आपके सामने रखें। साथियों, मुझे लगता है कि शायद आवाज़ यहाँ गूंज रही है, इसकी आप लोगों को ठीक से सुनाई पड़ रहा है? ठीक सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं बगैर लाउड स्पीकर के भी बोल सकता हूँ जोर की, जैसे मैं अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, तो माइक के साथ ही बोलता हूँ। तो अश्विनी ने अभी आपको बस्तर की हालत बताई और उसके ज़रिए इस देश की हालत बताई कि चाहे हम कुछ भी दावे कर लें कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति हैं, इस तरह के दावे हम कुछ भी कर लें, लेकिन वो सब खोखले दिखते हैं जब हम ये देखते हैं कि देश की असल हालत क्या है। और देश की असल हालत वही है जो अश्विनी ने आपको बस्तर के ज़रिए बताई। हमने जब संविधान बनाया था तो उसमें कल्पना करी थी कि एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। अगर आज हम देखें कि भाई सोशलिज्म का क्या हाल है, तो आज हमें दिखता है कि एक तरफ तो लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, करीब करीब आधे बच्चे इस देश के कुपोषित हैं, दूसरी तरफ जो करोड़पति हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, इनकी वेल्थ हर साल दर साल 50% 100% हर साल बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान का कहते हैं कि भाई ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, 7% ग्रोथ रेट है, लेकिन उस 7% ग्रोथ रेट का मतलब क्या है अगर देश के आधे बच्चे आज भी कुपोषित हैं, अगर लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कि बढ़ रही है, जाहिर है बढ़ रही है, अगर हमारे सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हर रोज़ हर तरह की धांधली हो रही है, और हमारे बच्चों को जो कि इम्तहान लेकर कोशिश करते हैं कि भाई कोई मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाए या कोई नौकरी मिल जाए, उन सब को चीट किया जा रहा है, तो इस जो हमने प्रॉमिस किया था कि भाई हम एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, उसका मतलब क्या है? क्या सेक्युलर रिपब्लिक हमने बना लिया? कोशिश ज़रूर करी, लेकिन आज जो हो रहा है आप लोग सब देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज अल्पसंख्यकों के ऊपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं।
जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं वो ओपनली ये बात कहते हैं कि भाई हमको तो धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। झूठ का एक तंत्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित झूठ का पूरा एक तरीके से तंत्र चलाया जा रहा है। झूठी न्यूज, फेक न्यूज, लोगों को भड़काने की न्यूज प्रकाशित करना, उसको फैलाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने की फेक न्यूज फैलाना, ये सब एक बिल्कुल संचालित तरीके से, जिसका नियंत्रण खुद ऊपर से प्रधानमंत्री करते हैं, वो किया जा रहा है इस देश में। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं। लोकतंत्र का असल मतलब है कि जनता की सहमति से, भागीदारी से नीतियां बनाई जाएं, सरकार चलाई जाए। चयन करना एक बात है, वोट देना एक बात है, लेकिन क्या हमें ये लगता है कि वोट देने के बाद जो सरकार हमने चुन ली वो सरकार जनता की इच्छा के हिसाब से काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है? उसका ईमानदार जवाब यह होगा कि हम चुन तो जरूर लेते हैं, वोट जरूर दे पाते हैं, लेकिन जो सरकार हमें मिलती है वो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि भाई वो हमारे हिसाब से नहीं चलाई जा रही, खूब भ्रष्टाचार है, खूब बेईमानी है, आम आदमी के हित में काम नहीं कर रही है, कुछ चुनिंदा बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने जिस तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई, जिसमें 5 साल में एक बार हम वोट देते हैं अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए और वो प्रतिनिधि लोग एक सरकार बनाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। खामी ये है कि जब हम वोट डालते हैं अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस जने को वोट डालेंगे जो हमको सबसे अच्छा लगता है, सबसे ईमानदार लगता है, या जो पार्टी सबसे ईमानदार लगती है। अगर हमको ये लगता है कि भाई ये पार्टी तो जीत ही नहीं सकती, या ये कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता, ये पार्टी सरकार बना नहीं सकती, तो हम उसको वोट नहीं डालते। फिर हम ये देखते हैं कि जब जो पार्टियां जीत सकती हैं उनमें से जो कम खराब है उसको हम वोट डालेंगे, जो हमें कम खराब लगता है। अब ये हम किस तरह से भापते हैं कि कौन सी पार्टी या कैंडिडेट जीत सकता है, नहीं जीत सकता? इसको भापने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट और कौन सी पार्टी कितना विजिबल है, कितना दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई देता है? उसके होर्डिंग लगे होते हैं, उसके इश्तिहार छपते हैं, उसके रेडियो पर इश्तिहार आते हैं, टीवी पर इश्तिहार आते हैं, अखबारों में आते हैं, उसके वर्कर्स घूम रहे होते हैं, उसके उसकी रैलीज होती हैं, बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं। तो जिस कैंडिडेट के पास पैसा है वो तो ये सब कर लेता है, जिस पार्टी के पास पैसा है, क्योंकि आप पैसे से होर्डिंग्स लगा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वर्कर्स खरीद सकते हैं, अपने वर्कर्स को पैसा दे दे के आप हजारों वर्कर जो घूमते रहेंगे आपका नाम का बैनर लेकर, और पैसे से ही आप अपनी बड़ी बड़ी रैली कर सकते हैं। आजकल रैली करने के लिए ये आम बात है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां रैली करती हैं, मोदी जी जो अपनी रैली करते हैं, उसमें भाड़े के लोग बुलाए जाते हैं, उसमें 500-500 रुपए दे देकर बसों में बैठा बैठा के लोगों को बुलाया जाता है। और उससे फिर हम भांपते हैं कि भाई कौन सी पार्टी आज सत्ता की दौड़ में है,
कौन सा कैंडिडेट सत्ता की दौड़ में है? जो आदमी नहीं दिखता, जिसके पास पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं लगा सकता, वो तो सत्ता के दौड़ में है नहीं। तो चाहे सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, सबसे अच्छी पार्टी हो, उसको वोट देने का मतलब है कि अपनी वोट बर्बाद करना, क्योंकि इलेक्ट तो एक ही आदमी होना है। जिस आदमी की सबसे ज्यादा वोट आई वही इलेक्ट होगा, बाकी लोगों की वोट का तो कोई मतलब नहीं है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा या जिस अलायंस के की मेजॉरिटी है उसी की सरकार बनेगी, बाकी पार्टियों का तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसके बाद। आप पार्लियामेंट में रहेंगे लेकिन सरकार तो उनकी नहीं होगी। तो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम दो स्टेजेस पर लगा दिया, जब हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं और उसके बाद जब हम सरकार चुनते हैं, दोनों में फर्स्ट पास द पोस्ट है। जो आदमी की ज्यादा आ गई वो जीत गया, बाकी लोगों की चाहे 75% वोट हो वो खत्म हो गई, जीरो हो गई। एक आदमी जीतेगा वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, चाहे उसकी 20% की वोट हो। सरकार उसी की बनेगी जिसके पास मेजॉरिटी है, बाकी लोग जीरो हो जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम में पैसे का बोलबाला है, और क्योंकि पैसे का बोलबाला है इस वजह से जो अन्ना हजारे कहते थे कि भाई हमारे सिस्टम में हो गया है कि पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। आप सत्ता में हैं तो खूब घूस लेके जितना भी पैसा चाहे बना लें, और उस पैसे से आप फिर से सत्ता में बने रहेंगे, बड़ी बड़ी रैली कर लेंगे, आप करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को ले आएंगे, मीडिया को भी खरीद लेंगे, सब कुछ होने लगता है। और इस वजह से ये सोचा गया था जब हम लोग के कानून बने कि भाई अगर असल पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है हमारे देश में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ भी हमको बढ़ना चाहिए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें पैसे का बोलबाला है। और इस वजह से जो ईमानदार लोग होते हैं, अभी मानिक सरकार त्रिपुरा में सबसे ईमानदार चीफ मिनिस्टर माने जाते थे, पूरी सैलरी अपनी पार्टी को डोनेट कर देते थे, कुल 10,000 रुपए महीने में वो अपना पूरा जिंदगी व्यतीत करते थे, साइकिल पर ऑफिस जाते थे। हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री उनकी छवि रही है, लेकिन फिर भी हार गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था उनकी पार्टी के पास, और एक ऐसी पार्टी आई जिसके पास बेइंतहा पैसा, बेइंतहा, अनलिमिटेड, हजारों लाखों करोड़, और उतना जितना प्रचार कर सकते थे तो उस आंधी में वो भी बह गए। तो इसलिए ये कानून बनाया गया कि कोई कैंडिडेट इलेक्शन में इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, लिमिट लगा दी गई। लेकिन उसका होता ये है कि लोग दिखाते ही नहीं है, काला धन खर्च करते हैं, अपना डिक्लेरेशन दे देते हैं कि भाई हमने सिर्फ इतना रुपया खर्च किया, लेकिन खर्च करते हैं उससे 10 गुना पैसा, कभी कभी 20 गुना 50 गुना भी खर्च कर लेते हैं। दूसरा, पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई, पार्टी कितना भी पैसा खर्च कर ले, लाखों करोड़ भी खर्च कर ले, कोई लिमिट नहीं है। अपने कैंडिडेट्स के लिए ही तो खर्च करती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और पार्टी के पास जो पैसा आता है उसकी पारदर्शिता के लिए कुछ नहीं किया गया। हम लोग ये कहते रहे कि भाई आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को कैशलेस हो जाना चाहिए, जैसे अश्विनी ने बताया कि आदिवासी के गांव में कहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, कि वो तो कैशलेस हो गए। अरे आप सबको कह रहे हैं कैशलेस हो जाओ, पॉलिटिकल पार्टियों को क्यों नहीं कह रहे कैशलेस हो जाओ? यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के पास जो चंदा आए वो सारा चेक से आए, और अगर चेक से नहीं कैश से भी आता है तो एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए कि कहां से पैसा आया। अभी तक कानून ये बना रखा है
कि अगर आपके पास 20,000 रुपए से कम, अब उसको कहते हैं कि 2,000 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी ये थोड़ी कहती है कि हमको कितना रुपया कैश किससे मिला, वो तो ये कहती है कि हमने झोली फैलाई, 15,000 करोड़ रुपया हमको छोटे छोटे कैश में मिल गया, जो हमारा 95% हमारे पूरा जो हमें डोनेशन मिला है उसका 95% पैसा हमको ये छोटे छोटे 5-5, 10-10 रुपए, 100 रुपए में मिल गया, लोगों ने डाल दिए हमारी झोली में, हमको नहीं पता किसने डाल दिया। अरे आपको अगर कोई, वहां तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि भाई हम पार्टियों को भी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के दायरे में आना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसला को कोई चुनौती नहीं दी गई, किसी पार्टी ने चुनौती नहीं दी, फाइनल हो गया, लेकिन फिर भी कोई बड़ी पार्टी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं नहीं जी, हम तो कुछ नहीं है, हम तो पब्लिक अथॉरिटी है नहीं, हम तो कुछ नहीं बताएंगे कि हमको पैसा कहां से मिला, कहां हमने खर्च किया वगैरह वगैरह। एक पहले कानून था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टियों को। पिछले साल वो कानून खत्म कर दिया कि अब कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे दे। पहले ये कानून था कि कम से कम जो चेक से देते हैं, बैंक के जरिए देते हैं, उसका तो आप ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दीजिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां देती थी वो तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता था, उसको अब इन्होंने ये कर दिया कि नहीं जी, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा नाम पता लग जाता है तो लोगों को पता लग जाता है कि हम घूस दे रहे हैं सरकार को, तो हमारा नाम छुपा रहना चाहिए। बड़े बड़े कंपनियों ने बोला कि हमारा नाम सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, हमारा नाम छुपा रहे, किसी को पता ना लगे कि मैंने 100 करोड़ रुपए दे दिए, हमको सरकार ने टेका दे दिया। और इन्होंने पिछले साल फाइनेंस बिल में एक नया कानून बना दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टियों को बड़े बड़े कॉरपोरेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकते हैं, जितना चाहे पैसा दे दें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और वो बॉन्ड बेरर बॉन्ड होगा जिसमें नाम नहीं होगा कि किस आदमी ने खरीदा है बॉन्ड, आप कोई स्पेसिफाइड बैंक से जाके खरीद लीजिए, कैश की तरह होगा कि आपने 100 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया और एक पार्टी को दे दिया, उस पार्टी को तो 100 करोड़ मिल गए, लेकिन किसी को पता नहीं लगेगा कि ये 100 करोड़ किसने दिए उस पार्टी को। यानी कि जो पारदर्शिता थोड़ी बहुत बची कुची थी वो भी आपने खत्म कर दी, और आखिर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक कानून बनाया कि विदेशी लोगों से, विदेशी कंपनियों से पॉलिटिकल पार्टियों को और पब्लिक सर्वेंट्स को पैसा नहीं, वो लोग नहीं ले सकते, जिससे कि ये इसका मकसद सीधा था कि भाई हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सरकार विदेशी फोर्सेस से इन्फ्लुएंस ना हो। हम लोगों ने एक पकड़ा जब इन्होंने, भाजपा और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को अपना वो भेजा कि हमको क्या डोनेशन मिले, और थोड़े ही से जो चेक से मिलते हैं वही बताते हैं, तो हम लोग ने देखा कि अरे इनको तो काफ़ी सारे कई करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों से मिल गए हैं। तो हमने हाईकोर्ट में रिट फाइल करी कि भाई ये विदेशी कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, ये तो इस कानून का उल्लंघन है, एक तरफ ये छोटे छोटे एनजीओस को परेशान कर रहे हैं कि उन्होंने विदेशी पैसे ले लिए जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियों से ले रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इनका प्रोसिक्यूशन करिए, हाँ इन्होंने विदेशी कंपनी से पैसा लिया है, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो पिछले साल वो कानून भी बदल दिया और अब ये कह दिया कि कोई विदेशी कंपनी, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बदल दिया, यानी कि पहले की डेट से, और ये कह दिया कि कोई भी विदेशी कंपनी अपने सब्सिडियरी के जरिए कितना भी पैसा
हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को दे सकती है। यानी लोकतंत्र का आपने मुखौल बना दिया। आप कहते हैं कि बड़ी हमारा तो बड़ा बढ़िया लोकतंत्र है, देखिए वोट देने की तो आज़ादी है, लेकिन वोट तो आज पैसे के बल पर तय किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि घूस देकर आप वोट खरीद लेते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में जब लोग वोट देते हैं तो वो ये देखते हैं कि कौन लोग सत्ता की दौड़ में हैं, और वो इसी से देखते हैं कि कौन कितना विजिबल है, और वो इसी से तय होता है कि किसके पास कितना पैसा है। तो आपने लोकतंत्र को पैसा तंत्र बना दिया है, और उसको आप सुधारने की कोशिश करने के बजाय बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि कई चीजें करने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर रोक लगाइए कितना पैसा खर्च कर सकती हैं, स्टेट फंडिंग करिए इलेक्शंस की, यानी कि जिसको जितनी वोट मिलती है उसके हिसाब से उसको सरकार वापस पैसा दे दे, यानी कि कोई आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, वो भी थोड़ा पैसा अगर जुटाना चाहे तो लोगों से थोड़ा बहुत लोन लेकर फिर उसको जितनी वोट मिलती है उतना पैसा सरकार दे दे, उस हिसाब से फिर वो वापस कर सकता है। कम से कम थोड़ी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी इसमें। और पारदर्शिता लाइए कि पॉलिटिकल पार्टियों को कैशलेस बनाइए, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी, लेकिन एकदम उल्टा काम हो रहा। तो मतलब कि सत्ताधारी पार्टी और सरकार बिल्कुल बिक गई है कि भाई हम बड़ी बड़ी कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाएंगे और उनसे पैसा ले लेके चुनाव जीतते रहेंगे। लोकतंत्र की ये हालत बना दी है। और रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हैं तरह तरह के, धारा 14, धारा 19, धारा 21, आज तो सब पर हमला है। धारा 19 के अधिकारों पर तो खासकर हमला है। अगर कोई जना सरकार को, मोदी जी को, किसी को क्रिटिसाइज कर दे, फेसबुक पोस्ट लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन का केस बना दिया जाता है, लोग मारने पीटने के लिए आ जाते हैं। आपका राइट ऑफ एसोसिएशन के ऊपर भी हमला है, हर तरह से हमला है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, हम लोगों ने जो ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए संविधान ने, ये इसलिए बनाए कि हमारे रिपब्लिक की, हमारे संविधान की रक्षा हो सके। इलेक्शन कमीशन बनाया कि भाई चुनाव ईमानदारी से हो सकें। आज तो खैर इलेक्शन कमीशन में भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो कि पहले नहीं थी, अभी हाल में होने लगी हैं। लेकिन खासकर न्यायपालिका का गठन किया गया कि न्यायपालिका सिर्फ मुद्दों की सुनवाई, मतलब आपस में जो विवाद होते हैं लोगों को, उसका लोगों के उसका सिर्फ निपटारा नहीं करेगी। न्यायपालिका का जो एक मेन दायित्व और रोल है संविधान में, वो ये है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और विधायिका और कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना, क्योंकि संविधान ने उनका दायरा सीमित रखा है। कार्यपालिका संविधान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और विधायिका भी संविधान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, और विधायिका भी संविधान के खिलाफ नहीं चल सकती, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं हो सकता। इस वजह से न्यायपालिका बनाई गई, और न्यायपालिका को इसीलिए सरकार और विधायिका से स्वतंत्र रखने की कोशिश करी गई। अब स्वतंत्र रखने के लिए एक तो ये कि उनका जजों के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कार्यपालिका या सरकार नहीं ले सकती, एक तो उसका ये मापदंड है। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि भाई जजों की नियुक्ति भी सरकार नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस या 3 सीनियर जजेस मिलकर जो रेकमेंड करेंगे उन्हीं की नियुक्ति करनी होगी, वो भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, जिससे कि स्वतंत्रता और बनी रहे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक तरीका सरकार का जजों को इन्फ्लुएंस करने का ये हो सकता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके उनको तंग करें या उनको प्रताड़ित करें या उनको ब्लैकमेल करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि अच्छा कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किसी जज के खिलाफ तब तक नहीं हो सकता जब तक चीफ जस्टिस उसकी परमिशन ना दे दे। और चौथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर। अब हुआ ये है, देखिए ये तो ठीक है कि न्यायपालिका को सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, सरकार से भी और विधायिका से भी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि न्यायपालिका बिल्कुल जवाबदेही से भी स्वतंत्र हो जाए या जज लोग जवाबदेही से भी स्वतंत्र हो जाए। जवाबदेही तो सबकी होनी चाहिए, जजों की भी होनी चाहिए। अगर जज कोई गलत काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, बेईमानी करता है, तो कोई तो होना चाहिए जिसको आप कंप्लेन कर सकें कि भाई इसने ये गलत काम किया, और इसके अगर ये पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज तो संविधान में एक ही तरीका है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें पहले 100 एमपीज के दस्तखत कराने पड़ते हैं इम्पीचमेंट मोशन पर, और एमपी लोग कोई भी इन्फ्लुएंशियल जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पर दस्तखत तब तक नहीं करते जब तक उसके मिसकंडक्ट के ठोस रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, और सिर्फ वो ही नहीं जब तक वो मामला एक पब्लिक स्कैंडल ना बन गया हो तब तक एमपी लोग इम्पीचमेंट मोशन पर दस्तखत नहीं करते। एक केस हुआ था रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी का, जिसमें इम्पीचमेंट शुरू हुआ क्योंकि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट आई, खूब पब्लिसाइज हुई। इम्पीचमेंट में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है 3 जजों की, उन्होंने रिपोर्ट भी दी इनके खिलाफ कि इन्होंने बहुत सारे मिसकंडक्ट किए हैं। उसके बाद मामला वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में यूनानिमसली वोट भी हो गया, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो उस समय सत्ता में थी उन लोगों ने बिल्कुल एब्सटेन कर लिया, वोट नहीं दिया, तो वो इम्पीचमेंट मोशन फिर भी फेल हो गया क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा की और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी राज्यसभा की होनी होती है, लोकसभा में ही फेल हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल एब्सटेन कर गई। तो इम्पीचमेंट कोई प्रॉपर तरीका नहीं है जजों की जवाबदेही तय करने का। हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि भाई एक स्वतंत्र, जैसे एक लोकपाल बनाने की बात हुई, बनाया तो अभी तक नहीं गया, लोकपाल का कानून पास हो गया 4 साल पहले लेकिन आज तक लोकपाल का गठन नहीं किया गया, लेकिन उसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन जजेस के लिए भी होना चाहिए जिसका नाम जुडिशल लोकपाल हम कह सकते हैं, जो सरकार से भी स्वतंत्र हो और न्यायपालिका से भी स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन बने जिसको कि लोग कंप्लेन भेज सकें कि भाई देखिए इस जज ने ये बेईमानी करी है, वो लोग इंक्वायरी करके फिर तय कर सकें, उस जज की पूरी बात सुनकर फिर ये तय कर सकें कि उसने कोई गड़बड़ी करी है कि नहीं करी है, और अगर करी है तो उसके उसका क्या परिणाम होना चाहिए, और वो फिर पूरे और वो फिर लागू किया जाए। लेकिन वो सब नहीं किया गया। एक
जजों ने 1997 में एक चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अच्छा ठीक है, हम एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाते हैं जिसको इन हाउस प्रोसीजर कहा जाता है कि कंप्लेंट चीफ जस्टिस को भेजी जाए, चीफ जस्टिस फिर देखेगा कि इसमें कोई दम है कि नहीं, और फिर वो चीफ जस्टिस तीन जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगा और वो इंक्वायरी कमेटी चीफ जस्टिस को रिपोर्ट देगी और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उस पर एक तो ये कर सकता है कि भाई ये कह दे कि भाई उस जज के का जुडिशल वर्क विड्रॉ कर लिया जाए, और दूसरा वो रिकमेंड कर सकता है कि उस जज का इम्पीचमेंट हो जाए, जो कि अभी हाल में एक केस में चीफ जस्टिस ने किया है, ये मेडिकल कॉलेज वाले केस में आप लोगों ने शायद सुना होगा, मेडिकल कॉलेज वाला केस, अभी मैं आता हूँ उस पर। लेकिन ये जो इनहाउस प्रोसीजर है ये बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी है, इसलिए अनसेटिस्फैक्टरी है क्योंकि कई बार जिस जज के खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं उसका चीफ जस्टिस से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल आता है, वो निकाल लेता है अपना कुछ कनेक्शन और उसके चलते हुए वो चीफ जस्टिस जो है उस कंप्लेंट को, चाहे वो बहुत ठोस कंप्लेंट हो, उसको इग्नोर कर देता है, उसका उसका कुछ भी नहीं करता, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई जाती, कुछ नहीं किया जाता। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने खुद कंप्लेंट्स भेजी हैं जिस पर कुछ नहीं किया गया। अब ये केस क्या हुआ, ये बहुत ही एक अहम केस है, ये जो मेडिकल कॉलेज वाला हुआ, जो ये दिखाता है कि न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता में जुड़ाव क्या है, क्या कनेक्शन है। एक मेडिकल कॉलेज का केस सुप्रीम कोर्ट आया जिसमें एडमिशन्स का मुद्दा था कि मेडिकल काउंसिल ने मना कर दिया था कि भाई आप इस साल एडमिशन्स नहीं कर सकते, इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, लेकिन ये एक केस, एक पर्टिकुलर केस था, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट नाम की एक संस्था है यूपी में उसका। उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अच्छा तुम यहाँ से विड्रॉ करके हाईकोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में तुरंत उनको एक इंटरिम ऑर्डर मिल जाता है कि अच्छा अपने आप इस साल के एडमिशंस कर लीजिए। मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट में यह केस थ्रू आउट जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्हीं के बेंच में यह केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब उसके खिलाफ वो आए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी कि भाई अच्छा उस मेडिकल कॉलेज का वकील ये कह रहा है कि हमको अच्छा हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि हमारी 2 करोड़ की बैंक गारंटी जो हाई जो कि मेडिकल काउंसिल ने बोला था कि इनकैश कर ली जाए वो इनकैश ना करी जाए, और हमको फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश रिट पिटिशन फाइल करने का परमिशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर डिस्पोज ऑफ कर दी। उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने फ्रेश रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल करी और उस रिट पिटिशन में यही मांगा कि भाई हमको एडमिशन करने की परमिशन दी जाए इस साल के। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, अगले हफ्ते के लिए लगाया, अगले फ्राइडे के लिए, यानी 4 तारीख को नोटिस इशू हुआ, 11 तारीख को लगाया गया। अब देखिए सीबीआई ने, और फिर उसके बाद 11 से 18 तारीख को लगाया गया, और उसके बाद 22 तारीख को एक ऑर्डर अपलोड हुआ जिसकी डेट 18 मानी जाती है, 18 कही गई है कि 18 तारीख को ये ऑर्डर पास हो गया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में 22 तारीख को अपलोड हुआ, जिसमें ये बोल दिया कि नहीं अब इसमें इस साल की तो परमिशन नहीं दी जाएगी, अगले साल देखा जाएगा। लेकिन 19 तारीख को सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर किया और उसमें ये लिखा कि एक बहुत बड़ी साजिश हुई है,
इस केस में जजों को घूस देकर फेवरेबल ऑर्डर कराने की और उस साजिश में कुछ मिडिलमैन उड़ीसा के लाए गए हैं, ये चीफ जस्टिस भी उड़ीसा से आते हैं, एक रिटायर्ड जज उड़ीसा का लाया गया है, इन लोगों ने मिलकर ये साजिश करी है उस मेडिकल कॉलेज के लोगों के साथ कि जज को घूस देकर ये ऑर्डर अपने फेवर में करा लिया जाए। 19 तारीख को ये FIR रजिस्टर होती है, उसी दिन CBI रेड करती है उन रिटायर्ड जज का उड़ीसा के, और जो मिडिलमैन वगैरह उनका रेड होता है, और वहाँ से 2 करोड़ रुपए कैश में बरामद होते हैं, जो कि ये कहा जाता है कि उस जज के पास पहुँचाने के लिए इकट्ठा करे गए थे। CBI उससे पहले ही इन लोगों के फ़ोन टैप कर चुकी थी और जो फ़ोन के कुछ कॉन्वर्सेशंस बाहर आए उसमें यह दिखाई दिया कि 4 तारीख को ही, जब पहले दिन जब नोटिस इशू किया था सुप्रीम कोर्ट में इस फ्रेश रिट पिटिशन में, उसी दिन ये लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई ये कैप्टन जो हमारे पूरे ऑल इंडिया कैप्टन हैं उनसे हमारी पूरी बात हो गई है और इसमें डिमांड जो है इतने करोड़, 14 करोड़ रुपए से अब उन्होंने 3 करोड़ कर दिए, 3 करोड़ रुपया आप हमारे पास पहुंचा दें अगली हियरिंग से पहले, तब फिर ये सब हो जाएगा। और ये बात सब 4 तारीख को होती है। इस बीच में CBI ने ये भी एविडेंस जुटा लिया कि वो जो हाईकोर्ट जज जिसने इंटरिम ऑर्डर दिया था उसको 1 करोड़ रुपया घूस दिया गया था, क्योंकि इन लोगों की बात से ये साफ जाहिर था कि उसको 1 करोड़ रुपया घूस दिया गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर उसका सेट असाइड कर दिया तो इन लोगों ने वो रुपया वापस मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर सेट असाइड करके ये बोल दिया था कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तुम लोग अप्रोच कर लो, और सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश पिटिशन फाइल हो गई, तो रुपया वापस करने की डिमांड करी। और उनकी बात से ये जाहिर था कि 7 तारीख को वो लोग लखनऊ में मिलेंगे उस जज के घर पर और वो जज जो है रुपया वापस करेगा। और ये एविडेंस लेकर CBI वाले चीफ जस्टिस से मिलने गए कि हमको परमिशन दे दीजिए इस हाईकोर्ट जज के खिलाफ FIR रजिस्टर करने की, क्योंकि आप जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक हम FIR नहीं कर सकते, जब तक हम FIR नहीं करेंगे तब तक हम उस जज को गिरफ्तार नहीं कर सकते, कल ये रुपया वापस करने वाले हैं, आप हमको परमिशन दीजिए, कल हम इनको रंगे हाथ पकड़ लें। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो परमिशन नहीं दी। खैर ये बात तो हम लोगों को बाद में पता लगी, लेकिन जब ये FIR हमारे सामने आई तब हमको लगा कि भाई ये तो बहुत संगीन मामला है, इससे तो CBI के जरिए चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर CBI के पास ऑलरेडी सबूत मौजूद हैं या एविडेंस मौजूद है कि चीफ जस्टिस को घूस देने की साजिश हुई और चीफ जस्टिस ने उसमें अपनी हाँ भरी, अगर ऐसा एविडेंस CBI के पास है तब तो चीफ जस्टिस को CBI के जरिए सरकार ब्लैकमेल कर सकती है, क्योंकि CBI तो सरकार के हाथ में, और चीफ जस्टिस को अगर ब्लैकमेल करती है तो सिर्फ एक जज का ब्लैकमेल नहीं है, यही मुद्दा जो 4 जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने यही मुद्दा उठाया। उन्होंने बोला, जो 4 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का संचालन चीफ जस्टिस ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि भाई हम मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, हम जिस केस को जिस जज के सामने चाहें लगा देंगे। अब अभी हाल में आपने सुना होगा जज लोया का सवाल चल रहा है, लोया वो जज थे जिन्होंने जो सोहराबुद्दीन का मर्डर ट्रायल कर रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे तथ्य ऐसे आए हैं जो ये इस पर बहुत सीरियस डाउट क्रिएट करते हैं कि जज लोया की मौत हार्ट अटैक से हुई या उनको मारा गया। अब वो केस उसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है और चीफ जस्टिस तुरंत ओरल मेंशनिंग में कह देते हैं कि कल
कोर्ट नंबर 12 के सामने, कोर्ट नंबर 10 के सामने लगा दिया जाए, यानी कि सीधा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, सीधा कोर्ट नंबर 10 के सामने लगा दिया जाए। ठीक उसी तरह से जैसे पिछले चीफ जस्टिस ने जब वो जो वो चीफ मिनिस्टर था मणिपुर का, क्या नाम था उसका, जिसने घूस देने का, जिसने बोला था कि दो चीफ जस्टिस ने मुझसे घूस मांगी, वो अरुणाचल का जो था, अरुणाचल का क्या नाम था उसका, एक चीफ मिनिस्टर था अरुणाचल का जिसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि मुझसे दो जजेस जो पिछले चीफ जस्टिस थे और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने मुझसे घूस मांगी, मैंने घूस नहीं दी, इसलिए मेरे खिलाफ जजमेंट कर दिया गया। सुसाइड नोट में ये लिखा। वो वाला मामला जब वाइफ, उस चीफ मिनिस्टर की वाइफ ने चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी, उसमें जो गवर्नर थे उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई इसमें तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बहुत संगीन मामला है, नहीं किया गया। वाइफ ने परमिशन मांगी चीफ जस्टिस से कि भाई आप खुद नहीं डील कर सकते, लेकिन किसी दूसरे जज के सामने इसको भेज दीजिए जिससे ये परमिशन हमको दी जा सके कि एफआईआर रजिस्टर कर लें, क्योंकि बगैर चीफ जस्टिस के परमिशन के एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकती। लेकिन एलिगेशन उन्हीं चीफ जस्टिस के खिलाफ था, पिछले जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ भी था और जो नेक्स्ट थे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ भी था। तो बजाय उस लेटर को नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस थे नंबर 3 उनके पास भेजने के बजाय उन्होंने सीधा नंबर 12 कोर्ट में लगा दिया कि ये रिट पिटीशन, इसको रिट पिटीशन में कन्वर्ट कर दिया और बोला कि वो सुनवाई कर ले। उसके बाद उस लेडी ने विड्रॉ कर लिया। कलिकोपुल नाम था उस चीफ मिनिस्टर का, कलिकोपुल अरुणाचल के, मिसेस पुल ने वो विड्रॉ कर ली। अब देखिए चीफ जस्टिस अगर अपनी पावर, मास्टर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं मास्टर ऑफ रोस्टर हूँ, उसका मतलब ये है कि मेरे पास ये राइट है कि मैं किस केस को किस जज के पास भेजूँ सुनवाई के लिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब जहाँ 25-30 जजेस होते हैं वहाँ कुछ जजेस ऐसे ज़रूर होते हैं जो सरकारी जजेस जिनको कहते हैं, जो बिल्कुल सरकार के हाँ से हाँ मिलाते हैं, या जो चीफ जस्टिस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ये अगर हम लोग ये बिलीव करें कि भाई सब चीफ जस्ट सारे जजेस बढ़िया हैं, सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये बात सही नहीं है। बहुत सारे भ्रष्ट भी होते हैं, बहुत सारे सरकार के कब्ज़े में होते हैं, बहुत सारे चीफ जस्टिस के कब्ज़े में होते हैं। अब चीफ जस्टिस अगर चाहे कि इस केस का इस तरह से निपटारा कर दिया जाए तो वो अपने ऐसे जज के सामने उस केस को भेज सकता है कि उसका एकदम वैसे ही निपटारा हो जाएगा। यही मुद्दा 4 जजेस ने उठाया था। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का संचालन ठीक नहीं हो रहा क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं केसेस का असाइनमेंट ठीक तरह से नहीं कर रहे और उसको ठीक किया जाना चाहिए। अभी परसों जस्टिस एपी शाह जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर दिया इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में ये तय करना कि भाई कौन सा केस किसके सामने लगेगा ये सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले नहीं तय करता, और यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है चीफ जस्टिस के द्वारा कि भाई हम मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, हम अकेले तय करेंगे और हम और किसी और से कंसल्ट हमको करने की ज़रूरत नहीं है और कोई तरीका कोई रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा केस कहाँ किस बेंच में जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और इससे तो चीफ जस्टिस पूरे सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लेगा। और इस वजह से हम लोगों ने ये पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो मेडिकल कॉलेज का मामला है जिसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जा सकता है और इसलिए इसका बिल्कुल स्वतंत्र एक जजों की निगरानी में स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे, जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। वो पिटीशन हम लोग ने फाइल करी,
नंबर टू जज के यहाँ मेंशन करी, क्योंकि चीफ जस्टिस तो उसको कायदे से सुन नहीं सकते थे क्योंकि उन्हीं को इन्वॉल्व करता था, और दूसरी बात वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे भी थे। नंबर टू जज से मेंशन किया, उन्होंने बोला कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, सीनियर मोस्ट 5 जजों की बेंच बननी चाहिए और उसमें इसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपने साथ 5-4 जूनियर जजेस को बैठाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर इसको इस ऑर्डर को ओवररूल कर दिया और बोला कि नहीं, चीफ जस्टिस को ही अख्तियार है ये तय करने का कि कौन सा केस, ये केस किसके सामने सुनवाई हो, और उन्होंने उसको आखिर में 3 जूनियर जजेस के बेंच में भेज दिया और वहाँ से डिसमिस हो गया। और 25 लाख कॉस्ट भी लगा दी हम लोगों के ऊपर कि तुम लोग न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हो, तुम लोग ने फ्रिवोलस पिटीशन फाइल करी है, और 25 लाख की पेनल्टी लगाई जाती है। अब देखिए क्यों जवाबदेही और स्वतंत्रता न्यायपालिका की जुड़ी हुई है। अगर स्वतंत्र संस्थान के प्रति न्यायपालिका की और जजों की कोई जवाबदेही नहीं है, अगर ऐसी कोई स्वतंत्र संस्था हम नहीं बनाएंगे जो कि जजों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सके, जजों के खिलाफ कंप्लेंट्स एंटरटेन करके डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड कर सके, तो फिर अल्टीमेटली होता ये है कि या तो CBI के पास ये पावर रहती है, आपने ये तो लिख दिया कि चीफ जस्टिस की परमिशन लेनी होगी, लेकिन उन्होंने तो बगैर चीफ जस्टिस की परमिशन लिए फोन तो टैप कर लिए थे, एविडेंस तो इकट्ठा कर लिया, FIR भले ही नहीं रजिस्टर करी चीफ जस्टिस के खिलाफ या सिटिंग जजेस के खिलाफ, लेकिन एविडेंस तो आ गया उनके पास। किसी और के नाम से आप FIR रजिस्टर कर लीजिए, मिडिल मैन के नाम से FIR रजिस्टर कर लीजिए, और एविडेंस तो आप सारा कलेक्ट कर सकते हैं। अब एविडेंस आ गया आपके पास, प्रोसिक्यूट आप नहीं कर सकते, लेकिन उस एविडेंस का खुलासा कर सकते हैं, और खुलासा करने से ही चीफ जस्टिस खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी तगड़ी पावर सरकार के हाथ में आ जाती है जिससे कि वो चीफ जस्टिस को और उनके जरिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में कर सकते हैं। और इस वजह से ये जरूरी है कि एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए जो कि इस तरह की कंप्लेंट्स एग्जामिन कर सके, इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस कर सके, और नहीं तो यही होता है कि भाई सरकार के हाथ में है और पार्लियामेंट के हाथ में इम्पीचमेंट। अगर सरकार किसी जज को डराना चाहे, धमकाना चाहे, तो वो इम्पीचमेंट का थ्रेट भी दे सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के थ्रू होता है। So, इसलिए ये कोई सेटिस्फैक्टरी सिस्टम नहीं है, और सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ना होने की वजह से स्वतंत्रता न्यायपालिका की बहुत संकट में है, और इसकी वजह से पूरा हमारा लोकतंत्र, हमारा पूरा रिपब्लिक खतरे में है, क्योंकि रिपब्लिक की रक्षा करना न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, और उनका ड्यूटी है, उनका राइट भी है, लेकिन अगर स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे तब फिर क्या रक्षा करेंगे। तो इसलिए आज हम एक बहुत न्यायपालिका में सुधार तो और भी होने हैं। देखिए आज तो आम आदमी तो कोर्ट में जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वकील रखने के ही पैसे नहीं है, वकील खड़ा करने के पैसे नहीं है। तो वो तो बेचारा अगर कोई रेड़ी पटरी वाला है जिसके खिलाफ पुलिस कोई झूठा केस बना देती है, जो कई बार बना देती है, वो कहती है कि वो आता है पुलिस वाला, रेड़ी पटरी वाले से बोलता है कि लाओ पैसे निकालो, और नहीं निकालोगे तो हम तुमको अभी अरेस्ट कर लेते हैं, तो उसके खिलाफ कोई केस बना देते हैं। और वो बेचारा तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो बस हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है, चाहे पुलिस के सामने चाहे वो जज के सामने, वो तो अपनी बेल भी नहीं करवा सकता। कई लोग इस तरह के हैं जो कि सालों साल छत्तीसगढ़ में तो जेल भरी हुई है ऐसे लोगों से जिन्होंने कुछ नहीं किया, झूठा केस उनके खिलाफ बनाया गया है लेकिन उनका ट्रायल ही नहीं होता, जेल में सड़ रहे हैं। तो
आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, इस न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर सकता। 80% लोग इस देश के ऐसे हैं जो इस न्यायिक व्यवस्था में प्रवेश ही नहीं कर सकते, और इसलिए हमको एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत थी जो कि बगैर वकील के भी चल सके। अमेरिका में जब थे तो वहाँ एक पीपल्स कोर्ट नाम का एक प्रोग्राम होता था जिसको टेलीवाइज करते थे, जिसमें एक रिटायर्ड जज था, वो एक्चुअल केसेस को सुनता था। वो दोनों पार्टीज को कहता था, तुम लोग अपने अपने दस्तावेज और विटनेसेस लेकर आ जाओ। वो पूछता था प्लेंटिव से कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारी कंप्लेंट है, फिर डिफेंडेंट से पूछता था कि तुमको क्या कहना है। उसके बाद फिर अगर उसको लगता था कि कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है फैक्ट का, तो पूछता था कि तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है, कोई विटनेस है। उसी समय वो देख दाख के दोनों की बात सुन सुना के आधे घंटे से कम में वो पूरे केस का निपटारा कर देता था। मैंने वो प्रोग्राम कम से कम 20 बार देखा होगा, 50 केस देखे होंगे इस तरह से तय होते हुए। मुझे लगा कि हर केस में जस्टिस हो गया, बिल्कुल ठीक जस्टिस हुआ है। और अधिकतर केसेस ऐसे होते हैं जिसको इस तरह से तय किया जा सकता है, जिसमें कोई वकील वगैरह की जरूरत नहीं है अगर आपका जज अच्छा है। ग्राम न्यायालय का जब बिल बना और कानून बना तो उसके पीछे शुरू शुरू में यही धारणा थी कि भाई ऐसे कोर्ट्स होंगे जो कि ब्लॉक लेवल पर ले जाए जाएंगे। आज तो तहसील लेवल तक ही हैं कोर्ट्स, ब्लॉक लेवल तक कोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर आम मुद्दे जो हैं उनका निपटारा बगैर वकील के और बगैर सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इतने मोटे मोटे कोड रूल्स हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, अगर कोई जज आपका अच्छा है तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये मतलब है कि आप उसकी उसको सुनवाई का पूरा मौका दे दीजिए, यही मतलब है। तो इसलिए उस तरह से करे जा सकते हैं, लेकिन वो ग्राम न्यायालय बिल जब बना तो उसमें फिर सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लगा दिया गया और फिर बनाए भी नहीं गए वो ग्राम न्यायालय। तो उसकी वजह से आज भी आम आदमी तो बिल्कुल वंचित है इस न्यायिक व्यवस्था से। दूसरा, जो आदमी प्रवेश भी कर लेता है उसके केस तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, वो भटकता रहता है, जूते घिसता रहता है, पैसे खर्च होते रहते हैं और 10-20 साल तक केस चलता रहता है, ये आम है इस देश में। तो उसके लिए हमको जजों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत थी, जजों का चयन ठीक से कराने की, जिससे कि बेहतर लोग का चयन हो। आज चयन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जजों में कानून की नॉलेज, जज का आप जब सिलेक्शन करते हैं तो कानून की नॉलेज इतनी अहम नहीं है। उसमें अहमियत इस पर है आपकी बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपका एक सेंस ऑफ इक्विटी और फेयरनेस होना चाहिए, आपको एक सेंस होना चाहिए कि भाई फेयर क्या है, और आखिर में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये देश है क्या, देश का आम आदमी कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या उसकी समस्याएँ हैं, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चार क्वालिटीज आप जज करने के लिए आप एक इम्तहान कर लीजिए जिसमें लॉ ग्रेजुएट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उस तरह से आप कोई जुडिशल सर्विस कमीशन बना लीजिए, उसके थ्रू कर लीजिए। लेकिन जजेस भी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अब तो सब रिटायर्ड जजेस आर्बिट्रेशन करने लगे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनको भी कोई परवाह नहीं है कि भाई न्यायिक व्यवस्था ठीक हो। ज़्यादातर लोगों को परवाह नहीं है कि न्यायिक व्यवस्था ठीक हो कि ना हो। और इसलिए आप लोगों का, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग आए हुए हैं आज, क्योंकि देखिए इस देश का फ्यूचर यंग लोगों के हाथ में है। और इसलिए है क्योंकि पहली बात तो जो इस देश का युवा है वही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस देश के फ्यूचर में, क्योंकि उन्हीं को अपनी ज़िंदगी जीनी है। हम लोग तो अब थोड़े दिन के और मेहमान हैं, हम लोग तो चले जाएंगे, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी है। दूसरी बात यह है कि युवा में ही वो ऊर्जा होती है जो कि कोई मूवमेंट खड़ा करने की, मुद्दों पर बहस छेड़ने की,
सबसे बड़ा दायित्व युवा का ये है. और तीसरी बात ये है कि युवा में ही वो नए आइडियाज होते हैं. आजकल की जो आईटी कंपनियां हैं, नई नई स्टार्टअप्स हैं, वो बहुत यंग लोग बनाते हैं, क्योंकि उनमें नए आइडियाज होते हैं, ऊर्जा भी होती है, आइडियाज भी होते हैं. इसलिए आज के युवा का सबसे बड़ा दायित्व है इस देश के लिए. और उनको सबसे पहले तो ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक मुद्दे, इनको समझना चाहिए, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और समझने के बाद इनसे जूझना चाहिए. अपना नौकरी से थोड़ा सा टट्टी चलाना जरूरी है, नौकरी पाना भी जरूरी है, अनेक बातें बताई जिसे हमें सचमुच जानने की जरूरत है असल में. लेकिन जो कुछ भी है, हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश का संविधान हो चाहे साहित्य हो, जो कुछ है सब कुछ जानने की जरूरत है. और हम सब जानेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे. असल में गांधी जी ने हिंद स्वराज में एक जगह लिखा है कि जब हम सोते हैं और नींद से जगते हैं तो थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और जगते हैं तो नींद की खुमारी जाने में थोड़ा समय लगता है. ये एक तरह से कुछ ऐसी स्थिति भी है कि हम स्वयं भी कुछ सोए हुए हैं. हमें जागने की ज़रूरत है और हमें समस्याओं को समझने की भी ज़रूरत है. मैं आदरणीय सुभाष कश्यप जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और हम कैसे अपने नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना कर पाएं, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन.